प्रदेश जनपद बिजनौर में कीरतपुर मंडावर रोड स्थित सर्व समाज सेवा संस्थान सोसाइटी की ओर से निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रक्त समूह की समस्त प्रकार की जांच की गई। जनपद में तेजी से बढ़ रहे मलेरिया, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी तमाम बीमारियों को देखते हुए वरिष्ठ समाजसेवी एवं सोसाइटी के संस्थापक इरशाद आलम अंसारी द्वारा सेवा ही जीवन को संकल्प बनाते हुए यह निःशुल्क कैंप लगवाया। उधर कीरतपुर की नगर ग्रामीण क्षेत्रीय जनता ने रक्तदान महादान निःशुल्क कैंप से लाभान्वित होकर सोसाइटी द्वारा लगाए गए कैंप को जनहित में एक सराहनीय पुनीत कार्य बताया। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी इरशाद आलम अंसारी ने सर्व समाज सेवा संस्थान सोसाइटी द्वारा कैंप में पहुंचे नगर समाज सेवियों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम इरशाद आलम अंसारी है। सर, आज आपने कैंप लगाया है, किस लिए लगाया, किस उद्देश्य से लगाया? ये जो आज का मैंने कैंप लगाया है, ये ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए कैंप है। हम चाहते हैं कि पूरे शहर का हम ब्लड ग्रुप चेक करें, ताकि वक्त आने पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोग, हमें पता नहीं हो पाता, कुछ रेयर ग्रुप होते हैं जिनका पता नहीं हो पाता, और हमारे शहर में बहुत सारे हर किस्म का ग्रुप मौजूद होगा। तो मैंने ये सोचा कि ये पता कैसे चले कि किसके पास कौन सा ग्रुप है, तो एक कैंप लगाया जाए। इस कैंप से हमारे पास एक डेटा कलेक्ट हो जाएगा, ताकि हम उन लोगों के ग्रुप, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर सकें, विनती कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव ये था। देखिए, यहाँ पर तकरीबन 150 के आसपास लोग पहुँचे हैं, जिसमें ये जो टेस्ट है, ये सिर्फ ब्लड ग्रुप के लिए नहीं, ये टेस्ट मलेरिया भी हम चेक करें, क्योंकि वायरल का सीज़न है, और इसमें हेमोग्लोबिन जो लेडीज़ के लिए कमी हो जाती है वो भी है, ब्लड प्रेशर वगैरह है। जी जी, आपका नाम? नवेद अहमद। सर, आप कैंप में आए हैं, क्या देखा आपने कैंप में आकर, क्या हो रहा है यहाँ? दरअसल हमारे यहाँ जो लोग हैं वो मेडिकल के मामले बहुत बैकवर्ड हैं, यहाँ तक कि हर आदमी को अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं पता होता है। तो एक बड़ी अहम ज़रूरत थी इसकी, अवेयरनेस की, जागरूकता की, जो इरशाद भाई ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस फील्ड में। और इरशाद भाई एक ऐसी हस्ती हैं जो दुनिया के लगभग आधे मुल्कों में रह चुके हैं, तो इन्होंने दुनिया को देखा दरअसल, है ना। तो यहाँ इरशाद भाई जैसा आदमी अगर काम करता है तो अपने आप में उसके पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग होती है। तो इरशाद भाई का यहाँ आना, हिंदुस्तान में रुकना, जबकि वो चाहते तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, दुनिया के जो आधी दुनिया घुमा हुआ हो वो यहाँ क्यों आएगा इंडिया में वापस। लेकिन सिर्फ एक जज्बा है शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो इस जज्बे के साथ जो काम कर रहे हैं, प्लानिंग बड़ी अच्छी है, मेरी दुआ उनके साथ है, इसीलिए मैं यहाँ आया कि इन्हें मुबारकबाद दे सकूँ और इसमें कुछ हिस्सा ले सकूँ।